प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने MRS स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है, BCCI बोर्ड के द्वारा कई सारे काउंसलिंग करवाई जा रही है, तो जो भी काउंसलिंग कराई जा रही है सारा अपडेट आप लोगों के साथ मैं शेयर करते रहता हूँ। तो सेकेंड राउंड जो कि BCCI इंजीनियरिंग का आपका जारी कर दिया गया था 24 सितंबर को ही, यहाँ पे आप नोटिस अगर आप देखें तो नोटिस में आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं एक बार पहले नोटिस दिखा सकता हूँ और उसके बाद ही मैं बताऊँगा कि आपका जो एडमिशन करने का जो डेट दिया गया है वो कब तक का डेट दिया गया है, ताकि आपको बेहतर तरीके से सारी चीज़ें मिल सके। और कैसे डाउनलोड करना है पूरी जानकारी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप नोटिस में देखोगे तो पहले जो है निर्धारित किया गया था 19 सितंबर को सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, लेकिन आप 24 सितंबर को जारी किया गया और जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड करने का है 24 सितंबर से 27 सितंबर तक कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन जो है वो 25 सितंबर यानी आज से 27 सितंबर तक जो है आप कर सकते हो। अब चलते हैं वेबसाइट पे और कैसे डाउनलोड करना है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो होम पे आने के बाद यहाँ पे आपको जो है ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ऑफ BCCLE 2024 मिलेगा, इस पे जो है आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको जो है रोल नंबर डाल देना है। क्या डाल देना है? रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर आपको जो है डाल देना है। उसके बाद रोल नंबर के बाद आपको जो है पासवर्ड डालना है। क्या डालना है? पासवर्ड, ठीक है। तो पासवर्ड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, ये पासवर्ड मैं यहाँ पे डाल दिया। ये सिक्योरिटी पिन यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही करेंगे आपको जो है यहाँ पे बोलेगा कि OTP से वेरीफाई करो। भाई अब OTP आपको कहाँ पे देना है, ईमेल पे या मोबाइल नंबर पे? तो मोबाइल नंबर हम सिलेक्ट कर लिए और सेंड OTP पे क्लिक कर देंगे। तो OTP जो है आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, थोड़ा देर वेट करना होगा। यहाँ पे टाइमिंग दे रहा है, उस टाइम के अंदर भी आपको OTP आ सकता है या हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा टाइम भी आपका लगे यहाँ पे OTP आने में। तो जब तक आपका OTP आता नहीं है तब तक आपको वेट करना है। तो हम भी यहाँ पे वेट करेंगे जब तक OTP आता नहीं है। जितना टाइम लगेगा उतना देर हम लोग वेट करेंगे। ठीक है, तो हमारा OTP जो है यहाँ पे आ चुका है। और OTP डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक कर देना है। आपको लॉगिन पे क्लिक करने के बाद कुछ देर वेट करना होगा। उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा जिसमें बताएगा कि लास्ट विजिट जो है आपने 13 सितंबर को किया था और यहाँ पे देख सकते हो 20 मिनट का टाइम दिया गया है। इस टाइमिंग के अंदर ही आपको जो है सारी प्रोसेस कर लेनी है। टोटल कितना चॉइस फिलिंग फिल किया गया है, अनफिल कितना गया है, टोटल चॉइस कितना अवेलेबल था, ये सारा अपडेट यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आप आएंगे तो अवेलेबल सर्विसेज, कैंडिडेट प्रोफाइल, अवेलेबल चॉइसेस, चॉइस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट और प्रिंट लॉग्ड चॉइसेस। तो यहाँ पे जो है सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पे आप क्लिक करोगे कि आपको कौन सा सीट अलॉटमेंट रिजल्ट कुछ दिया गया है सेकेंड राउंड में या फिर नहीं दिया गया है। अगर दिया हुआ रहेगा तो आपका दिखेगा, दिया मतलब दिखाई देगा कि दिया हुआ है, अदरवाइज आपको जो है दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे जिस कैंडिडेट का मैंने चेक किया है यहाँ पे इनका एज पर चॉइस फील्ड नो सीट हैज बीन अलॉटेड To you in this round. इस राउंड में भी कोई कॉलेज जो है इनको अलॉट नहीं किया गया है। संभावना था कि इनको जो है मिल जाएगा, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं मिला, क्योंकि इन्होंने जो चॉइस फिलिंग किया था चॉइस फिलिंग सही किया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैकेनिकल इनको मिल जाना चाहिए था। जो इनका रैंक है रैंक के हिसाब से इनको मैकेनिकल मिल जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैकेनिकल नहीं मिला है। अब पता नहीं क्यों
कितना सीट, सीट तो अच्छा खासा खाली है, फिर भी इनको जो है नहीं मिला है ना। मैकेनिकल आसानी से मिल जाना चाहिए था, शिवहर, बक्सर, भोजपुर, बांका, अरवल, जमुई, कैमूर, इन सभी में तो अच्छा खासा सीट खाली था, लेकिन फिर भी मतलब इनको जो है सीट अलॉट नहीं किया गया है ना। अब ये तो डिपार्टमेंट ही बताएगी या फिर दूसरा राउंड अगर आएगा तो ही पता चलेगा, क्योंकि मैकेनिकल इनको आराम से मिल जाना चाहिए था है ना, जो सीट था उसके हिसाब से मैकेनिकल मिल जाना चाहिए था। तो अब इनको यही मैं कहूँगा कि उनको अब जो मॉपअप काउंसलिंग होता है ना, ऑफलाइन काउंसलिंग जो होता है उसके लिए अब वेट करना होगा है ना, और अगर मॉपअप काउंसलिंग होता है तो उसमें मिलने की संभावना है। रैंक इनका सही है, कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रैंक है, जो सीट था उसके हिसाब से इनका रैंक है, लेकिन फिर भी नहीं दिया गया क्योंकि मैकेनिकल में सीटें अच्छी खासी खाली थी, मैकेनिकल मिलना चाहिए था, लेकिन अब क्या इश्यूज़ है अब वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा है ना। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। थैंक यू। और एक चीज़ और, वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं यहाँ पे बता दूँ कि जिनका कॉलेज अलॉट किया हुआ रहेगा वहाँ उनको यहाँ पे देगा सबमिट विलिंगनेस पे, उनको जो है ऑप्शन देगा यस या नो करने का अपग्रेड का, तो कुछ भी नहीं करना है ना, नो ही करना है, क्योंकि इसके बाद कोई ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं होगा। और उसके बाद डाउनलोड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पे क्लिक करके वो अपना सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो है डाउनलोड कर पाएंगे। तो यही तीन स्टेप्स आपका जो है बेसिकली होता है, तो इस तरीके से वो अपना चॉइस फिलिंग जो किए थे उसके हिसाब से इनको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, आप होम पे आके बैक आके यहाँ पे और भी जो इन्फॉर्मेशंस है वो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो है ना। व्यू, डाउनलोड और लेटर्स जनरेटेड, प्रिंट, लॉक्ड चॉइस है, जो लॉक्ड चॉइस है वो अगर आपने प्रिंट नहीं किया था तो प्रिंट अभी भी कर सकते हो, ये यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, और बाकी कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी वगैरह भी जो है यहाँ पे आपका दिया गया है। बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। थैंक यू।